मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा कि इस पूरे अभियान में हम किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकें अपने आप को, तो हर व्यक्ति हमारी बात मानेगा। हम अगर आदर्श अपने जीवन में नहीं बना सकते तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। एक काम तो हम सामूहिक रूप से करेंगे संगठन के रूप में, वो ये है कि स्विस बैंक का पैसा लाना, टैक्स सिस्टम को बदलवाना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, सब सिस्टम को बदलने का काम सामूहिक है, वो हम साथ में करेंगे। उसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी लड़ेंगे, लेकिन एक काम व्यक्तिगत भी है, वो भी हमें करना पड़ेगा, तभी सामूहिक करने की ताकत हम में पैदा होगी। व्यक्तिगत काम क्या करना है? जिस काम को हम अपेक्षा करते हैं दूसरे करें, उसको पहले हम खुद करें, तभी हमारी बात कोई मानेगा। तो आप अपने जीवन में कुछ व्यक्तिगत आदर्श प्रस्तुत करें, यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो आप क्या कर सकते हैं? भारत स्वाभिमान का एक सूत्र वाक्य है, जीवन में जितना बन सके उतना सादगी रखो, विचारों में जितना हो सके उतनी ऊंचाई रखो। ये भारत स्वाभिमान मान के चलता है। आप भी अपने जीवन में इसको ठोक बजाकर धारण करें, अपने जीवन में सादगी लाएं, कम से कम खर्चे में जीवन चलाएं, क्योंकि देश को बड़ा करना है तो अपने को छोटा बनाना पड़ता है, तभी देश बड़ा होता है। हम अपने को छोटा कैसे बना सकते हैं? देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आप जानते हैं, सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण इस देश को उदारीकरण में फंसा दिया। जिस भारत पर एक पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था, इस समय भारत पर 18 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया। कर्जा जब ज्यादा हो जाता है देश पर, तो इसका ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, ब्याज देने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है, नया कर्ज लेने के लिए रुपए की कीमत गिरानी पड़ती है, कीमत गिराने से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है, हमारा निर्यात बहुत कम होता जाता है, आयात का खर्चा बढ़ता जाता है, निर्यात आयात का घाटा जो हो तो वो नया कर्ज लेने के लिए हमको मजबूर करता है और हम एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इस दुष्चक्र से देश को निकालिए। कैसे निकालेंगे? हमारे देश पर अगर कर्जा बढ़ गया है, इस देश को दुष्चक्र से निकालना है, तो इसका सरल उपाय है कि जब घर पर कर्जा बढ़ जाता है तो घर का खर्चा कम किया जाता है। तो देश पर कर्जा बढ़ गया है, देश का खर्चा कम करिए, अपनी जिंदगी से उसकी शुरुआत करिए, अपनी जिंदगी से खर्चे कम करिए, फालतू खर्चे मिटा दीजिए। जितना फालतू खर्चा आप कम करेंगे, पैसा उतना ही बचत में ज्यादा होगा, और देश की बचत जितनी बढ़ेगी, विकास के लिए पूंजी वहीं से ज्यादा मिलेगी। हमारी सरकार बार बार पूंजी का रोना रोती है कि हमारे पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है। पूंजी देश में उपलब्ध करानी है तो बचत बढ़ाकर सबसे आसानी से उपलब्ध हो सकती है। बचत बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि लोगों के खर्चे कम से कम करा दिए जाएं। खर्चे कम कराने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में सादगी लाएं, फालतू खर्चे ना करें। कहां से शुरू करें? सवेरे से शाम तक अपने जीवन में देखें क्या क्या फालतू खर्चे कर रहे हैं, उसको कम करें। सबसे बड़ा फालतू खर्चा इस देश में है चाय कॉफी का। एक साल में 90,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं चाय और कॉफी पीने में। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम। ये पीना बंद करें, 90,000 करोड़ देश का बचेगा। आप बोलेंगे चाय कॉफी पीना छूटता नहीं है, छोड़ना बहुत आसान है, संकल्प ले लीजिए। जीवन में कुछ भी चीज बदलती है आप तय कर लीजिए। चाय कॉफी बंद कर देंगे, दो फायदे हैं, एक तो आपके शरीर को, दूसरा देश को। आपके शरीर को क्या फायदा है? कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, कब्जियत, एसिडिटी कम हो जाएगी, पेट की एसिडिटी कम होगी तो ब्लड की एसिडिटी कम हो जाएगी, रक्त की एसिडिटी कम हुई तो 80 बीमारियों से बचेंगे आप। चाय कॉफी पीने से 80 बीमारियां आती है, इसलिए छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे फिर क्या पिए? दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, आंवले का रस पीजिए, लौकी का रस पीजिए, एलोवेरा का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, गाजर का रस पीजिए। कुछ कमी है क्या अपने पास? और चाय कॉफी इसलिए भी बंद करिए कि अंग्रेजों ने चलाई थी इस देश में चाय और कॉफी, और इसी से गुलाम बनाया था पूरे देश को।
आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले चाय ही बेची थी इस देश में, और फोकट में पिलाई थी पहले चाय, फिर हमारी आदत इतनी खराब हो गई कि खरीद के पीना शुरू कर दिया। तो बंद कर दीजिए ये चाय कॉफी, दूध पी लीजिए। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सब हिंदुस्तानी चाय कॉफी छोड़े और दूध पिए, और 90,000 करोड़ का दूध ज्यादा बिके तो 20 करोड़ गाय या भैंस पालनी पड़ेगी तब ये दूध पैदा होगा, और 20 करोड़ गाय भैंस पालनी है तो सारे कतल खाने बंद करने पड़ेंगे तभी ये हो पाएगा। कतल खाने बंद होंगे तो मांस निर्यात बंद होगा, पशुओं की जान बचेगी, उनकी दुआएं मिलेंगी, हमारा काम आसान होगा। दूसरा, पशुओं का गोबर और मूत्र खाद के रूप में देश के काम आएगा। 4 से 5 लाख करोड़ की खाद हम बना सकते हैं 20 करोड़ जानवरों के गोबर से, और 2 से 2.5 लाख करोड़ का कीटनाशक बना सकते हैं 20 करोड़ जानवरों के पेशाब से, माने कुल मिलाकर 6 से 7 लाख करोड़ की आमदनी देश की बढ़ा सकते हैं जानवरों को बचा करके। और डीजल पेट्रोल का जो खर्चा ट्रैक्टर में हो रहा है खेत जोतने के लिए, उनके लिए बैलों की उपलब्धता करा सकते हैं गाय और भैंस की संख्या बढ़ा करके। इतने फायदे होते हैं पूरे देश को अगर आप चाय कॉफी छोड़ते हैं तो छोड़ दीजिए, आसान है। फिर आप बोलेंगे तो कैसे छूटेगी? जिनको चाय कॉफी की बहुत लत है उनके लिए बताता हूं कि पानी को खूब गर्म करिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए उसमें, धनिया पत्ता डाल दीजिए, पुदीना पत्ता डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए और खूब उबाल के थोड़ा गुड़ मिला के उसको पी लीजिए, वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। या अर्जुन की छाल ले आइए, बाजार में मिलती है 20 रुपए किलो में आती है, चाय तो 150 रुपए किलो की है, अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के उबाल के उसको पी लीजिए, या तो कोई काढ़ा बना के पी लीजिए, या तो दिव्य पेय एक आता है पतंजलि योग पीठ का, वो चाय कॉफी की तरह से पी लीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो खाली पानी को तुलसी पत्ता डाल के उबाल के पी लीजिए, खाली पानी उबाल के पी लीजिए, बहुत सारे विकल्प हमारे पास है। तय करिए संकल्प के रूप, पैसा बचाइए देश का, देश को जरूरत है आपके पैसे की। इसी तरह से कुछ फालतू पैसा खर्च हो रहा है टूथपेस्ट करने में, सवेरे ही सवेरे आप दांत घिसते हैं, पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं, 1,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है देश का, ये बंद कर दीजिए। दातुन करिए, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, पाकड़ का दातुन, सभी दातुन टैक्स फ्री हैं, कॉस्ट फ्री है, किसी भी दातुन का साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट नहीं है, और हर दातुन हर जगह मौजूद है। दांत भी साफ होंगे, मसूड़े मजबूत बनेंगे, मुफ्त में काम आपका हो जाएगा। नहीं तो दंत मंजन कर लीजिए, दंत मंजन टूथपेस्ट से सस्ते आते हैं, टूथपेस्ट कितने महंगे पड़ते हैं आप सोचिए। मैंने एक आदमी की जिंदगी का हिसाब निकाला, 15 साल की उम्र से कोई आदमी पेस्ट करना शुरू करे और 75 साल तक पेस्ट करता रहे, माने 60 साल उसने जिंदगी का टूथपेस्ट किया, 1,46,000 रुपये उसने खर्च कर दिया एक आदमी ने खाली टूथपेस्ट कर। और होता कैसे है, एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 300 रुपए का। टूथपेस्ट तो काजू से महंगा है, काजू 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो, गाय का घी 150 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। और हम कैसे मूर्ख लोग हैं, गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, टूथपेस्ट जो महंगा है उसको रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते हैं और सोचते हैं बड़े स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो, वो कहते हैं क्या करें, मैं कहता हूं ये पेस्ट को थूकते क्यों हो, इसी को रोटी पे लगा लगा के खाओ, क्योंकि घी से तो महंगा है। तो ये मूर्खता मत करो, बंद करो ये सब पेस्ट। और आपको एक गंभीर बात बताता हूं, मैंने भारत की प्रयोगशालाओं में कॉलगेट का, क्लोजअप का, पेप्सोडेंट का, सिवाका का, फॉरहेंस का, सब टूथपेस्टों का परीक्षण करवाया, और पता ये चला कि हर प्रयोगशाला बोलती है कि ये टूथपेस्ट जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। कोई गाय की हड्डियों से बनता है, कोई भैंस की हड्डियों से, कोई बकरे बकरियों की हड्डियों से, कुछ टूथपेस्ट सुअर की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। अब हम हिंदुस्तानी सवेरे ही सवेरे जानवरों की हड्डियों के पाउडर को मुंह में रगड़ते हैं और फिर मानते हैं कि हम तो हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं बताइए, बंद करिए इनको। और सबसे खराब बात जो टूथपेस्ट की आपको पता होनी चाहिए वो ये
कि सभी टूथपेस्ट में झाग बनता है, झाग बनाने के लिए केमिकल डालना पड़ता है, वो केमिकल वही है जो शेविंग क्रीम में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट पाउडर में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट सोप में डालना पड़ता है, वही केमिकल टूथपेस्ट में डालना पड़ता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, और ये कैंसर करता है। इसलिए पेस्ट मत करिए, दंत मंजन करिए, दातुन करिए, पैसा बचेगा देश का। इसी तरह से फालतू खर्चा मत करिए शेविंग क्रीम लगाने में। भाइयों से निवेदन है कि दाढ़ी बनाएं, शेविंग क्रीम इस्तेमाल न करें, बहुत पैसा बचेगा देश का। फिर आप बोलेंगे क्या करें, स्वामी रामदेव जी हो जाएं, दाढ़ी बढ़ाएं, शेविंग करना ही ना पड़े। और अगर शेव करना ही है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाएं। तो तरीका क्या है, थोड़ा गर्म पानी ले लें, चेहरे पे मालिश कर लें, थोड़ा दूध ले लें, चेहरे पे लगाएं और रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेप बनती है। थोड़ा दही ले लें, दही लगाएं और दाढ़ी बनाएं, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। थोड़ा तेल ले लें, पानी में तेल मिला के चेहरे पे लगाएं, रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेप बनती है। मैं 10 साल से ये करता हूँ और इसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम होता है। आप अगर दूध लगाते हैं, दही लगाते हैं तो चेहरे में चिकनाई आती है, तो रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड की बचत हो गई। दूसरा फायदा, दूध दही लगाएं तो गंदगी निकल जाती है, चेहरा साफ हो जाता है, चेहरा साफ होता है तो चमकता है, और चेहरा चमकेगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, कल से शुरू कर दीजिए। और आप अकेले मत करिए, दूसरों को बताइए कि दाढ़ी दूध से बनाओ, दाढ़ी दही से बनाओ, तेल से बनाओ, शेविंग क्रीम का खर्चा बचाओ, हजारों करोड़ बचता है। और माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्रीम पाउडर लिपस्टिक मत लगाओ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत खर्चा है। फेयर एंड लवली एक क्रीम आती है 25 ग्राम 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाएं, उससे अच्छा है 4 किलो बादाम खरीद के खाएं। और वो क्रीम आप 1 किलो लगाना या 100 किलो, जिंदगी में गोरापन कभी नहीं आएगा। ये झूठ बोलते हैं फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। एक भैंस को मैंने 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी तक काली की काली। दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली से। जो फेयर एंड लवली से काले गोरे हो जाते तो अफ्रीका में तो कोई काला रहना नहीं चाहिए, उल्लू बनाते हैं आपको। छोड़िए इसको, बेकार है। इसको छोड़ेंगे, दूसरी क्रीम छोड़ेंगे, कॉस्मेटिक्स छोड़ेंगे, साल में 56,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। और अंग्रेजी दवाएं छोड़ दें खरीदना तो 6,60,000 करोड़ रुपए बचता है। पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बैरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्प्रिन, कोल्डारिन, एनासिन, ये सारी अंग्रेजी दवाएं अगर छोड़ दें तो लगभग 6,50,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। तो आप बोलेंगे इनको कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत आसान काम है, बीमार पड़ना बंद कर दो, सब दवाएं छूट जाएंगी।